हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तर्ना और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में जुकीनी देख के आपको भी ऐसा लगता है क्या कि यार ये बहुत ही अच्छी वेट लॉस की रेसिपी है, वेट लॉस की वेजिटेबल है, लेकिन हम इसे कैसे बनाएं, इसे कैसे खाएं कि ये हमें टेस्टी लगे या इसे हम कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, जो ये जुकीनी है ये रियली में बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है। इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आपको इसकी बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप बोल सकते हो कुरकुरी जुकीनी, क्रिस्पी जुकीनी, आप इसे ये बोल सकते हो और आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आप हमें ये कैसे बनानी है और हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप इसे एकदम अच्छे से वॉश कर लोगे, क्योंकि हम इसका छिलका नहीं उतारेंगे, तो मेक श्योर कि ये बहुत ही अच्छे से वॉश होनी चाहिए। उसके बाद में हम इसको जैसे काटना है, इसको यहाँ से ये जो है ये इसका पार्ट है, इसको हम फेंक देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से भी इसको काट के इसको भी फेंक देंगे। उसके बाद में जो जुकीनी है हम इसको ऐसे राउंड राउंड काट लेंगे इस तरह से, काइंड ऑफ ये थिकनेस हमें रखनी है। आप इसको इजीली वेट लॉस में खा सकते हो, वेट मैनेजमेंट में खा सकते हो, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कोई फॉलो कर रहा है तो वो इसको खा सकता है, या हमें ऐसे एक्जोटिक वेजिटेबल्स देख के कई बार लगता है ना कि यार इसको कैसे डालें, क्योंकि हम इसको बेसिकली नॉर्मल सब धनिया और सब लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल के इसको ऐसे बनाएंगे ना तो इसका वो एक्जोटिक फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि ये सब वेजिटेबल्स उस तरह से नहीं बनती हैं। अब इसके लिए हमें और क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक, जिसको हम फाइनली चॉप्ड कर लेंगे। मुझे तो नहीं पता कि जो जुकीनी है वो सर्दियों की वेजिटेबल है या गर्मियों की वेजिटेबल है, क्योंकि आजकल तो सारी वेजिटेबल्स 12 महीने ही आती है, और साथ में ये तो वैसे भी फॉरेन की वेजिटेबल है तो मुझे आइडिया नहीं है। जैसे हमारी इंडियन वेजिटेबल्स में तो भी नौ की पालक और बथुआ, सरसों, ये सब विंटर्स में आते हैं, बट इस जुकीनी का तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो देन प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स कि ये सर्दियों की वेजिटेबल्स है या गर्मियों की है। आई थिंक इतना बहुत है, मतलब 3 क्लॉव्स बहुत है। और हमें चाहिए घर का मक्खन, ऑफकोर्स इतना नहीं, थोड़ा सा लेंगे हम। घर का मक्खन लिया है मैंने फैट, बिकॉज कि वेट लॉस में फैट अलाउ होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि फैट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में फैट ले रहे हो तो। और ये घर का निकाला हुआ मक्खन है, और मैंने इसको निकाला भी ऐसे है कि फुल क्रीम मिल्क का नहीं है ये, जो अमूल का जो ब्लू कलर का पैकेट आता है लो फैट मिल्क का, उसका है ये मक्खन। इट्स हेल्दी। और काली मिर्च लेंगे, काली मिर्च मैं क्रश वाली प्रेफर करती हूँ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो बहुत पाउडर वाली जो काली मिर्च होती है वो मुझे कम पसंद है और उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और हमें चाहिए इसके अंदर नमक। ये ना मेरा काइंड ऑफ नॉन स्टिक पैन है, एकदम प्रॉपर नॉन स्टिक तो नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं चिपकता, ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम ऐसा लिटल बिट नॉन स्टिक है कि नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक लोगे तो इजी होगा इसको बनाना, क्योंकि ये नॉन स्टिक के अंदर फिर हमें जो घी और तेल होता है वो थोड़ा कम लगाना पड़ता है। तो हम इसके अंदर इतना बटर डालेंगे। देखो यार, अब वो आप कितना वेट लॉस करना चाह रहे हो, आप कितना ज़्यादा उसको शिद्दत से फॉलो करते हो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है तो उससे तो देखो उतना टेस्ट नहीं आता है, आपको भी पता है, आपने ट्राई किया होगा कि आप बिल्कुल भी बटर नहीं डाल रहे हो। अब हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, तो इट्स प्रेफर कि आप थोड़ा सा उसे बटर डालो, एटलीस्ट उसे कंटिन्यू कर सको, क्योंकि अगर आप एकदम जीरो बटर डाल के और बिल्कुल ही ऐसा फूड बनाओगे जो एकदम भी टेस्टी नहीं है तो फिर आप उसे खाओगे नहीं, आपका नेक्स्ट डे उसको खाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा कहते हैं वेट लॉस में भी कि आप थोड़ा बहुत फैट लो, थोड़ा बहुत टेस्टी खाना बनाओ ताकि आप उसे कंटिन्यू कर सको अपनी डाइट को। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब हमें इसको जलाना नहीं है, अब हम अपनी जुकीनी डाल देंगे। थोड़ा सा चला दो इसको, जो गैस है मेरी वो मीडियम फ्लेम पे है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यार वेट लॉस में भी आप अच्छा खाना खा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम ब्लैंड फूड खाना है, कि आप इसको एकदम ही ऐसे जीरो ऑयल में बना रहे हो। इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो, मतलब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना है, बट ऑफकोर्स सरसों का मत करना, उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, सिंपल नमक डाले हैं मैंने, आपके पास रॉक सॉल्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो अगर आप करते हो तो। डिपेंड्स ना पर्सन टू पर्सन की कौन कितना करता है, तो ठीक है आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा ही है।
इसी को फॉलो करो, सब कुछ इसका चेंज करने की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे चेंज। देखो थोड़ा क्रिस्पी हो रहा है, थोड़ा सा उसको क्रिस्पी टाइप का बना रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ना कवर नहीं किया। कई बार ऐसे कुरकुरी भिंडी बनाते हैं ना, इसलिए मुझे कवर नहीं करते, इसलिए इस तरह थोड़ा सा मैं इसे ब्लैक पेपर छूटूँगी। अभी ये बना नहीं है, बस मैं थोड़ा सा दूंगा। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है कि आपको कितना डालना है, ऐसा कितना डालने का मतलब कि आपको कम चाहिए आपको ज़्यादा चाहिए, बट ऑफ कोर्स डालना ज़रूरी है आपको इसका टेस्ट आएगा। देखो ऐसे कैसे थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो रही है ना, देखो जी देखो कितनी अच्छी क्रिस्पी हो रही है। जिन लोगों का सिर्फ वेट लॉस नहीं करना है, उनका वेट लॉस का कोई मतलब नहीं है, जस्ट वेट मैनेजमेंट पे हैं, तो वो लोग जो भी ब्राउन राइस खा रहे हैं या कोई भी अपना पुलाव खा रहे हैं या खिचड़ी खा रहे हैं, उसके साथ में अभी साइड डिश आप इसको रख सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो वेट लॉस कर रहे हैं या वेट मैनेजमेंट पे हैं, वो लोग रात को इसको डिनर में खा सकते हैं, या कुछ लोगों को बहुत ही भूख नहीं है, थोड़ा सा बस लाइट खाना है, टेस्टी खाना है, हेल्दी खाना है, वेजिज खानी है, वो इसको लंच में खा सकते हैं। फिर लंच में ये ले लिया, साथ में रायता ले लिया। मैं आप लोगों को ना पहले बताना भूल गई थी, ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल, जैसे हम लोग अपनी कोई सब्जी बनाते हैं इंडियन सब्जी, तो हम उसमें डालते हैं ना लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी, वैसे तो हमने ब्लैक पेपर भी डाला और चिली फ्लेक्स भी डाला, बहुत ही अच्छी बनाई देखी। क्योंकि ये दो कलर की आती है, येलो कलर की एंड ग्रीन कलर की, मेरे पास येलो कलर की आप कोई भी बना लो, मुझे तो वैसे टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं पता लगता, होता है क्या फर्क, आई डोंट नो, आप बताओ होता है क्या, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप किस तरह की वेट लॉस रेसिपी और चाहते हो देखना, या किस तरह का कंटेंट आप और देखना चाहते हो, मुझे फीडबैक देना ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, या फिर मैं इस तरह का ही कंटेंट बनाऊँ ज़्यादा, जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे चैनल से। कुछ कुछ तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई, कुछ कुछ अभी रह गई, कोई बात नहीं, कर लेंगे कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा राइट। कुछ कुछ वीडियो ना मैं ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ जिसमें कि आपको पूरा अच्छे से दिखाऊँ, ऐसा नहीं है ये डाला ये कर दिया और लास्ट में बस दिखा दिया कि हो गया, आई वॉन्ट कि आपको पूरा दिखाऊँ। तो कुछ प्रॉब्लम भी अगर आई है तो आपके साथ वो भी शेयर करो ताकि आप लोगों को मिल जाए, ऑफकोर्स प्रॉब्लम सही सकती हूँ तो, बट इसमें जो मैंने आपको बताया सब सही था अभी तक, कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा मुझे एज ऑफ नाउ। अब ये सब्जी ना बन गई है, अभी डिपेंड की देखो किसको कितना क्रिस्पी पसंद होता है ना, आपके घर वालों के हिसाब से या आप लोगों के हिसाब से, कि सबका अपना पर्सनल टेस्ट होता है, कि किसी को एकदम उतना क्रिस्पी पसंद है जितना कि जैसे फ्राइड होके निकला है, तो आप इसे और यहाँ पे रहने दो ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा तो ऐसे जूसी टाइप का चाहिए, तो फिर आप ये अभी एकदम परफेक्ट है। अब आपको उससे ज़्यादा कुछ ना होगा, एकदम ऐसे बर्न पसंद होता है ना, एकदम ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी की मुंह में जाते ही ऐसे आवाज़ आए, तो आप इसको इस तरह से और बना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब इसका फिर सेम दिस इज डन, पूरा गार्लिक वगैरह और सब कुछ इस पर अच्छे से मिक्स भी हो गया, तो मैं गैस बंद कर दी क्योंकि मेरे हिसाब से ये कुक हो गया। स्टिफ फ्राई जुकीनी बन के एकदम से रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आप इसे जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस करना, पता के साथ में शेयर करना मेरे चैनल पे, और थैंक यू। चलो मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ये इसके अंदर रहेगा ना तो जो और ज़्यादा हो जाएगा।